दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप लोगों को कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद है और क्यों पसंद है, ये भी ज़रूर बताना। मैं भी बताऊँगा मेरे को कौन सा फ़ोन पसंद है, क्यों पसंद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुझे कौन सा फ़ोन पसंद है। तो मुझे तो भाई पसंद है वीवो का फ़ोन, पर मेरे जो वीडियो शूट हो रही है ये भी वीवो का फ़ोन से ही हो रही है। पर अब मैं इससे बोर हो चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कोई मैं बदलूँ। मैंने MI का फ़ोन भी यूज़ किया है, मैंने ओप्पो का फ़ोन ऐसे चलाया है, यूज़ नहीं किया। मेरे फ्रेंड व्रेंड का, भाई भाई का मेरा ओप्पो का है, पर मैं चलाया बस, मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो मेरा मन करता है ओप्पो का लेने का। तो सबसे पहले मैं आपको वीवो की बता लेता हूँ ख़ास बात क्या है। वीवो की ख़ास बात यह है कि इसमें आपको जो बैटरी मिलेगी बहुत ही बढ़िया चलेगी। कैमरे की बात करूँ, मुझे वीवो के कैमरे इतने खास नहीं लगते, एवरेज देते हैं आप, ये वीडियो से थोड़ी क्वालिटी के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इतने खास नहीं लगे मुझे उसकी क्वालिटी वीडियो की। और जो ओप्पो की बात है, उसके कैमरे काफ़ी अच्छे होते हैं, उसका जो साउंड क्वालिटी होती है, एटमॉस का कोई ब्रांड मुझे लगता है, वो बहुत ही बढ़िया, डॉल्बी का बहुत ही बढ़िया साउंड आता है उसमें, मैंने देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं ओप्पो का लूँ। और MI की बात कर ले, MI क्यों चल रहे हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आज ये भी बता देता हूँ। MI इसलिए चल रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी बढ़िया चीज़ें दे रहे हैं। और रियलमी ने भी, रियलमी में आपको बता दूँ ओप्पो की ब्रांड है, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा, मैं बता दूँ रियलमी जो है ओप्पो की ब्रांड है। और ओप्पो ने ही लॉन्च किया है रियलमी को। आप कभी देखिए, पहले रियलमी के जो फ़ोन आते थे उनमें लिखा आता था नीचे रियलमी ओप्पो, पावर बाई ओप्पो लिखा आता था। ओप्पो के अब पूरे फंक्शन आपको ओप्पो की तरह मिल जाएंगे। तो रियलमी का कैमरा भी बेस्ट है, बस बात यह है कि ओप्पो की थोड़ी बहुत बैटरी मुझे लगता है, ज़्यादा इतनी भी नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा ब्रांड की, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे थोड़ी बहुत बैटरी वीवो से कम चलती है। और MI की बैटरी मैं बता दूँ आपको, शुरू शुरू में तो काफ़ी बढ़िया चलेगी उसका, कभी कभी आपको देखना पड़ता है कि आपको चार्ज नहीं होता, कभी 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 बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होती है, बहुत जल्दी ख़त्म होती है बैटरी। प्रॉब्लम जो है ओप्पो में और रियलमी में आती रहती है, वीवो में ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे अभी तक। जितना मेरे को 2 साल हो गए वीवो का फ़ोन यूज़ करते हुए। और बात कर लूँ, और कोई फ़ोन तो फ़िलहाल है नहीं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो मैं आपको करूँगा कि जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वीवो चलाता था, मैं वीवो मुझे कम अच्छा लगना, मुझे पता चला कि ओप्पो की जो ब्रांड है उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया बढ़िया उसमें फ़ोन निकाला है ओप्पो भी। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार ओप्पो लूँ। तो आप ओप्पो ले सकते हैं, लेकिन पुराने ब्रांड नहीं, जो नए ब्रांड। और आपको बैटरी बता दो, जिसकी 5000 mAh की बैटरी हो, सिर्फ वही फ़ोन लेना, क्योंकि उनकी बैटरी सही चलेगी आपको, चाहे वो रियलमी हो, ओप्पो हो, MI हो। तो 5000 mAh की बैटरी के आपको 10-10 हज़ार के फ़ोन आ जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से हैं, तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं वीडियो बना दूंगा अगली, कि आपको कौन कौन से 10,000 के अंदर 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, या 12,000 के अंदर अंदर आपको 10, 12 या 15 के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। वीवो के फ़ोन भी बढ़िया हैं, ओप्पो के फ़ोन भी बढ़िया हैं, MI के फ़ोन भी बढ़िया हैं, रियलमी के फ़ोन भी बढ़िया हैं। तो रियलमी मेरे दोस्त के पास है, उसका भी चलाया मैंने, तो उसमें देखता हूँ, पबजी वबजी खेलते तो बैटरी मेरे से वीवो से काफ़ी फास्ट चार्ज ड्रेन होती, बहुत जल्दी गिरती है। तो लेकिन उस हिसाब तो चल जाती है, इतना नहीं, इतनी भी नहीं गिरती कि बिल्कुल ही गिर जाए, चल जाएगी इतना, पर उस हिसाब से कम गिरती नहीं है, कम गिरती है, मेरा मतलब है बहुत ही कम गिरती है, पर उस हिसाब से भी वो बेस्ट है, इसकी बैटरी लगी है। कैमरे की बात करूँ तो मुझे कैमरे तो ओप्पो के पसंद है, और बैटरी की बात करूँ, बैटरी मुझे वीवो की पसंद है। और MI में क्या खास लगता है मुझे, उसकी प्राइस रेंज में जो उसमें मुझे रैम और स्टोरेज मिलता है, मुझे वो खास बात लगता है। रियलमी में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, तो रियलमी बेस्ट है आपके लिए। मैं रिकमेंड करूँगा आप रियलमी का फ़ोन तो ले। लास्ट में आके मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप रियलमी का फ़ोन लो, बहुत ही बढ़िया फ़ोन होगा आपके लिए। तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सी फ़ोन पसंद है, क्यों पसंद है, और क्या कारण है उसका आपको जो पसंद है। और ये बताना ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं, और सपोर्ट करिए हमें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो। तो आज के लिए इतना ही।